गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं रवि कुमार स्वागत करता हूँ हमारे भारतीय सभी चैनल में। मेरे साथ बने रहिए, आगे मैं आपको बताऊंगा आज कुछ खास खबरों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गोविंदपुर स्थित भरोसा केंद्र में नुआखाई पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। थाना अंतर्गत आदर्श नगर कोयला खदन क्वार्टर नंबर NQ4 के सामने एक बाइक चोरी हो जाने को लेकर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। विधायक दीपाली दास को ओडिशा GPLF महासंघ के चीफ कोऑर्डिनेटर के रूप में चुना गया। राजपुर कटापाली फील्ड में 28वीं महासमलई नुआखाई भेड़घाट फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर ब्रजानगर विधायक अलका महंती मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। झारसुर चकदरपुर रेलवे डिवीजन के बीच विभिन्न विकास कार्य चल रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए झारसुर रेलवे स्टेशन को जा रहे गीतांजलि एक्सप्रेस, संतरागाछी नामदेव सुपरफास्ट एक्सप्रेस, शालीमार LTT, कुर्ला एक्सप्रेस और टाटा बिलासपुर एक्सप्रेस को रेलवे विभाग की ओर से कैंसिल कर दिया गया है, जिस कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। AC रिपेयर के नाम पर साइबर ठगों ने MCL कर्मचारी नरोत्तम गढ़नायक के अकाउंट से साइबर ठगों ने 9,22,749 रुपये ठग लिए। इस बारे में बनरपल्ली थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। कल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल रन शुरू किया गया। इस दौरान ट्रेन पुरी से सुबह 5 बजे निकलकर झारसुगुड़ा में करीब 11:30 बजे पहुंचा। झारसो वेदांता में स्थित ठेका संस्था में काम कर रहे निर्मल सिंह नामक एक व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो गई। इस बारे में बड़वा पुलिस एक मामला दर्ज करके जांच शुरू की है। प्रिंस होटल एंड रेस्टोरेंट, मेन रोड, स्टेशन चौक, झारसुगुड़ा। विजिट फॉर कंफर्टेबल स्टे एंड क्वालिटी फूड।